उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सड़कों का बुरा हाल, गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे कागजी किताबी ही रह गए। ऐसा ही एक मामला अमेठी के किठावर तक जाने वाली सड़क का है, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 11 वर्ष पहले बनी थी। ये सड़क दो जिलों को जोड़ने का कार्य करती है। इस सड़क पर सैकड़ों गाँव के हजारों लोगों का आवागमन हमेशा बना रहता है। फिलहाल एक दिन रास्ते में गुजरते समय समाज सेवी कपिल सिंह ने देखा कि गड्ढे की वजह से पिता पुत्र बाइक से गिर गए। हेलमेट की वजह से उनका जीवन तो बच गया, मगर समाज सेवी के मन में कोहराम मच गया। समाज सेवी ने इस बात को उच्च अधिकारियों तक पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया, मगर कोई निर्णायक फैसला न होने के कारण समाज सेवी कपिल सिंह ने निजी स्रोतों के जरिए सड़क को गड्ढा मुक्त कराने का कार्य शुरू कर दिया। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। हमारा नाम अखिलेश शुक्ला है। अखिलेश जी, ये बताएं कि ये सड़क कैसे बन रही है और कौन बनवा रहा है, ऐसे में क्या इतना जो है पर्याप्त होगा आप लोगों के लिए? ये रोड पिछले 11 सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं ही लोकल निवासी हूँ यहीं का। गड्ढा से बहुत बुरा हाल था यहाँ पे, और इस रोड के लिए सबसे बहुत सराहनीय कदम है। कपिल सिंह समाज सेवी बन के उभरे हुए हैं, उन्होंने अपने ट्रैक्टर अपने ट्राली से गड्ढे को पटवा रहे हैं, मुंदवा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार इस पे कभी ध्यान नहीं दिया है। चाहे योगी हो, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, इनका बहुत ही इस रोड पे कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पूरे अमेठी के रोड पे उन्होंने नहीं ध्यान दिया, और बहुत ही सराहनीय कदम है उनका ये। क्षेत्र के मिलकर एक कपिल, धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कपिल सिंह को, कि कपिल सिंह से हम लोगों ने निवेदन किया कि समाज सेवी आज 5 दिन से अपने ट्रैक्टर अपने लेबर सारे काम बंद करके आज जो गड्ढा मुक्त का काम करा रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सरकार को कहता हूँ कि आपको सर माननी चाहिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सही जांच करके निश्चित तौर पर जो भी इसमें ऐसे। राजेश मिश्रा, एडवोकेट। राजेश जी, जो है ये कैसा काम चल रहा है, सड़क की क्या स्थिति? सड़क की स्थिति यह है कि अगर घोटाला किसी को या भ्रष्टाचार और झूठी पोल अगर सरकार की आपको देखनी है, इससे सड़क से बेहतर नमूना कोई हो नहीं सकता। ये सड़क 11 साल पहले PMJSY से बनी थी। 5 साल पे सड़क हैंडओवर हो जाती है PWD या प्रदेश सरकार को। आज 11 साल से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ये सड़क, आज तक हैंडओवर नहीं हो पाई। लगातार जनता अमेठी की, इस रोड की जो दो जिलों को सड़क जोड़ती है, इस रोड के सारे लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जू नहीं देखती है। जब भी हमको जवाब मिलता है, चिट्ठी आती है कि हमने चिट्ठी लिख दी गई है, जो है इसकी कार्यदायी संस्था का ऑफिस है इलाहाबाद, चिट्ठी लिख दे कर दोबारा टेंडर होने वाला है, मरम्मत का होने वाला है, गड्ढा मुक्त होने वाला। 4 टेंडर हुए हैं 2011 से आज तक, और सड़कों की हालत है कि लोग आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, यहीं पे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसी रास्ते से स्मृति ईरानी जी जानती, इसी रास्ते से विजय गुप्ता जाते हैं, इसी रास्ते से सारे लोग जाते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों, उनके सारे दावे खोखले। अगर भ्रष्टाचार अगर आपको देखना, चरम सीमा पे आप भ्रष्टाचार ऐसे में ये कमी कहां पर कमी ये हो रही है कि जैसे सड़कों का टेंडर होता है तो जो इनके अधिकारी होते हैं PMJ, इनके एक्सीएन सारी भूमिका इसमें अगर है तो 4 एक्सीएन बदले गए, सारी भूमिका एक्सीएन की है। ये कार्यदायी संस्था को काली सूची में डालते हैं, उसके बाद उनको चुप्पे से पैसा उनका चोरी से वापस करते हैं, वो दूसरी फिर फर्म बनती है, फिर ये टेंडर कराते हैं, फिर ये लूटते खाते हैं, यही इनका है। और ये नाक के नीचे हो रहा है, DM से बात कीजिए, DM भी चिट्ठी लिख देते हैं, DM की ये कराइए गड्ढा मुक्त, DM की भी नहीं चल रही है, DM साहब की भी कोई नहीं सुनता है। PMJSY तो DM साहब को ऐसा जवाब देता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल सिंह है। ये अभी आपके द्वारा एक अमेठी अठिया किठावर मार्ग पर काम कराया जा रहा है, गड्ढे मुक्त कराने की कराया जाता है, जी जी। कैसे आपके दिमाग में आया और जो है कहां तक इसको करा? ये है एक अमेठी जो है से किठावर मार्ग है, जो अमेठी से कुरारी तक मैंने उसको गड्ढे में ईंटा डला के उसको सही करा रहे हैं। इसलिए मैं एक दिन जा रहा था, कई बार मैंने देखा है उस पर काफ़ी एक्सीडेंट हुआ, तो एक दिन मैं जा रहा था कि एक पिता और पुत्र जो है बाइक से जा रहे थे। पिता ने तो हेलमेट लगाया था, बट उसके बच्चे ने जो 7-8 साल का था वो आगे बैठा था, उसके पास तो हेलमेट था नहीं, तो उसी गड्ढे में गया और इतना गड्ढा गहरा था कि वो बाइक लेके गिर पड़ा। तो उसके पिता को तो चोट नहीं लगी, बट उसके जो है जो बच्चा था उसका पूरा ये चेहरा जो है छिल गया। तो मुझे वहीं से दिमाग में मेरे आया कि यार कुछ इसमें करना चाहिए। तो मुझे लगा कि सरकार का इसमें नहीं कर पा रही, क्या दिक्कत है, उनका वो अपना वो है। तो मैंने कहा जो मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था, तो मैंने कहा दिमाग में आया कि इसको करना चाहिए, तो मैंने ये अपने दिमाग से किया कि इसको गड्ढा जो है अपने खर्च से मैं इसको पटवा के जितना मैं कर सकता था कोराई तक मैंने वो किया है।
जितना मेरा वो था समाज, मतलब ये जनहित में देखते हुए कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जनता को दिक्कत आ रही है, जो समस्या हो रही है, जो मेरे तरफ से मैं जितना कर सकता था मैंने कोशिश किया करने के लिए उसको। निस्संदेह आपके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार देखिए उनका क्या सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मैं उस पर कमेंट बातें नहीं करना चाहूँगा, उनका अपना तरीका है क्या कैसे कर रहे हैं, लेकिन मैं जो अपने हिसाब अपने उससे कर सकता था अपनी जो सड़क कब से इस तरह से थी? ये सड़क जब से बनी है मुझे नहीं लग रहा है इसकी हालत ख़राब हुई है, इसमें टेंडर हो रहे हैं क्या हो रहा है, बाद में जब किसी से बात होती है पेपर में आए दिन पेपर में देखने को मिलता है कि कहीं यहाँ लेटर गया, लोग कह रहे हैं टेंडर हो रहा है बहुत जल्दी बन जाएगी क्या है, तो ये सब देखने को मुझे मिला है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं सिर्फ अपना था कि जनहित में ये काम होना चाहिए, तो मैंने वो किया। और सरकार का क्या सिस्टम है, उनका टेंडर क्या है, कैसे है।